फटाफट से चलते हैं और किरण से बातचीत कर लेते हैं। किरण, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है जी बिजनेस पर आपका। आज की जो रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई है उस पर आपकी क्या राय है, और आगे आने वाले पूरे ही महीने के लिए, अगस्त महीने के लिए अगर बातचीत करें तो काफ़ी बड़े ट्रिगर्स हैं। एमपीसी की बैठक कल से शुरू हो जाएगी, ऑटो सेल्स नंबर्स आएंगे, खासतौर पर काफ़ी ज़्यादा आईपीओज, नए आईपीओज के भी आने की उम्मीदें हैं, बड़े नतीजे, रिलायंस डिफेंस जैसी बड़ी कंपनियों के नतीजे भी आने हैं, पावर ग्रिड के नतीजे आने हैं, तो पूरे ही मार्केट्स को आप कैसे आंक रहे हैं आगे महीने के लिए? इवनिंग साक्षी जी, मुझे लगता है कि इधर से आज एक मंथली क्लोज मिल गया है और ये मंथली क्लोज बहुत अहम लेवल्स पे हुआ है। 2008 के टॉप्स, उसके बाद वाला टॉप, और अगर ये ज्वाइन करते हैं तो उसका ट्रेंडिंग वैल्यू 10,030-10,040 के करीब आता है और हम 10,080 के करीब क्लोज होते नजर आएंगे। तो ये कह सकते हैं कि हम रेजिस्टेंस के लेवल पे क्लोज हुए हैं। परसों क्रेडिट पॉलिसी है, ये एक मेन ट्रिगर रहेगा। अभी क्रेडिट पॉलिसी के बाद इन लेवल, इस स्तर को होल्ड करता है कि नहीं, ये बहुत अहम लेवल है, पर इधर एक कॉशियस बुलिश अप्रोच मैं सजेस्ट करता हूं क्लाइंट्स के लिए, और जो कि लॉन्ग पोजीशंस हम पिछले एक डेढ़ महीने से कंसिस्टेंटली कहते आए, इधर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करने की सलाह दे रहे हैं। जो आपने ऑटो नंबर्स वगैरह बाकी की बात की, तो मुझे लगता है कि सारे के सारे नंबर्स ये डिस्काउंटेड है प्राइस में, तो अभी एक पॉजिटिव सरप्राइज की अपेक्षा ना करें तो ये अच्छा है।